बिहार में शराब बंदी है। शराब को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार के हर जिले, कस्बे, गली मोहल्ले में शराब बंदी है। इसके बावजूद बिहार के सिवान और छपरा में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान चली गई, तो वहीं कई लोगों की आंखों की रोशनी तक चली गई। आखिर बिहार में शराब बंदी होने के बावजूद इतने लोगों की जान क्यों जा रही है, इसे लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। देखिए, हमको भी आप ही लोग के चैनल के माध्यम से मालूम हुआ। तुरंत एसपी डीएम से बात किए और तुरंत विभाग से कमिश्नर को भेजे, उत्पाद विभाग के और मद्य निषेध विभाग के आदमी को भेजे और वहां कैंप करके कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी तक में 17 आदमी को गिरफ्तार किया गया है और छपरा में 2 आदमी का मृत्यु हुआ है और सिवान में 6 आदमी को, और जो उस इलाके के थाना प्रभारी चौकीदार थे उस पर विभागीय कार्रवाई करते हुए निलंबित किया गया है। इधर मंत्री रत्नेश सदा ने यह भी कहा है कि इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विभाग के सेक्रेटरी से बात करेंगे और शराब माफिया के खिलाफ CCA लगाया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में शराबबंदी का बहुत फायदा हुआ है, लेकिन विपक्ष के लोग जानबूझकर बिहार का माहौल खराब करने की कोशिश में लगे हैं। इधर विपक्ष का कहना है कि बिहार में आज शराब की होम डिलीवरी हो रही है, पूरे बिहार के घर घर तक शराब पहुंचाया जा रहा है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि एनडीए सरकार में शराबबंदी योजना पूरी तरीके से फेल है। यहाँ पर शराब माफियाओं को सरकार का संरक्षण प्राप्त है और यही माफिया अवैध शराब बनाने के साथ साथ पूरे बिहार में अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं। इस एनडीए सरकार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल है। जहरीली शराब से कल भी छपरा में कई लोगों की जानें चली गई। लगातार ये जहरीली शराब पीने से लोगों की जानें जा रही है और शराब माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। जिस तरह जहरीली शराब मिल रहे हैं, होम डिलीवरी हो रहा है शराब, शराबबंदी कानून के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई को लुटाया गया, कितना राशि खर्च किया गया इस पर, इसके बावजूद जहरीली शराब से लोगों की जाने जा रही है, ये चिंता का विषय है और इसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेवार है और जवाबदेही सरकार की है। बिहार के छपरा और सिवान में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर विपक्षी दल अब इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश में जुट गई है। अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर डबल इंजन की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि सत्ता संरक्षण में जहरीली शराब की वजह से 27 लोगों की जान चली गई, दर्जनों की आंखों की रोशनी छिन गई। बिहार में कथित शराबबंदी है, लेकिन सत्ताधारी नेताओं, पुलिस और माफिया के गठजोड़ की वजह से हर चौक चौराहों पर शराब उपलब्ध है। आप सब पत्रकार हैं, सब लोग जानते हैं इस चीजों को कि बड़ा इजीली जो है शराब उपलब्ध यहाँ बिहार में कहीं भी उपलब्ध हो जाता है। जब आपको, हम लोगों को पता है उपलब्ध होता है, तो क्या थानों में पुलिस को नहीं पता है कि कहाँ से कैसे उपलब्ध हो रहा है? सब कुछ पता है, केवल ये खेल जो है भ्रष्टाचार का है, केवल पैसों का खेल चल रहा है और लोग जो है मारे जा रहे हैं। तो एक बहुत ही दुखद घटना है, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ये जो लोग मरे हैं जहरीली शराब से कम वो संवेदना तो कम से कम प्रकट करें, दुख तो जाहिर करें। और कौन से वरीय अधिकारी को इन्होंने कार्रवाई की है भाई? कानून तो बड़ा लंबा चौड़ा बनाया गया है, लेकिन उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा? और नहीं हो रहा तो किसकी जिम्मेवारी है? केवल समीक्षा बैठक का ढोंग करके, केवल फोटो खिंचवा के प्रेस में रिलीज डलवा दिया जाता है। होम डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है, DGP नहीं रहते हैं, चीफ सेक्रेटरी नहीं रहते हैं। ये तो मुख्यमंत्री जी का हाल है। जहरीले शराब से मौत मामले को लेकर SIT का गठन कर दिया गया है। मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। खुद CM नीतीश कुमार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
जिले के डीएम और एसपी लगातार गांव और अस्पतालों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। 99 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।